कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है बहुत अच्छे हो गए, और नहीं हो गए तो हो जाना। तो जैसे बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का सवाल था कि BPC 144 डिजर्टेशन में क्या है और कैसे कैसे क्या क्या आप लोग को करना है। तो ये एक बड़ी सीरीज रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं रहेगी कि आप लोग का डिजर्टेशन जमा करने का डेट निकल जाए। डिजर्टेशन जमा करने की लास्ट डेट अभी 31 मई तक है, जो कि आराम से आप लोग कर दोगे। हमें भी उसी टाइम में करना है, 31 मई 2024 तक। तो हम भी थोड़े बिजी चल रहे थे अभी यही डिजर्टेशन के चलते, लेकिन शुभ घड़ी है, मई सबके लिए शुभ रहेगा शायद, इसलिए आप लोग को ये वीडियोस जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो डिजर्टेशन संबंधित पुस्तिका, ठीक है, 6 क्रेडिट का ये कोर्स है। तो डिजर्टेशन को हम सिंपल सिंपल एक प्रोजेक्ट समझो, जो तुम्हें तैयार करना है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तुम कुछ भी चीज़ पिक कर सकते हो, पूरी दुनिया में हर एक चीज़ को तुम नाप सकते हो, जिस भी चीज़ को उसको उठाओ और साइकोलॉजिकल बेस में रखो, और जो भी पसंद हो तुम पूछ लो। मैं पूछ लो मतलब कि उसको तैयार कर लो एज अ प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होगा तुम्हें कभी भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाना है कैसे है, तो इन सबको हम लोग चर्चा करेंगे। हम सोचा है कम से कम 10 वीडियो में इसको पूरा समअप कर देंगे, कि और आप लोग को इतना अच्छे समझा देंगे कि आप अपना एक के साथ साथ किसी और का भी बनाने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो डिजर्टेशन में 144 में सबसे पहले तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस तैयार करना। सिनॉप्सिस क्या होता है इसको समझा देते हैं हम बहुत छोटे से तरीके से। यह डिजर्टेशन का एक समअप होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लेंगे कि क्या बोलते हैं, कोई भी मूवी जो भी आपको पसंद हो, कोई भी, हम क्या नाम ले किसी का, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं आ रही है। अभी एक फिल्म आई थी, सब बोले बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, एनिमल। तो अगर आपको उसका कोई पूछ लिया कि मैं ही पूछ लूँ कि एनिमल कैसी मूवी है, क्या स्टोरी है, तो आप कैसे समझ दोगे उसका, कि हमें भी तो पता नहीं है, लेकिन हमें जैसा समअप मिला था वैसा हम आपको सुना दे रहे हैं कि रणवीर कपूर ने अपने पापा के लिए, वो लड़ता है, उसको पापा के ऊपर अटैक होता है, फिर वो सबसे बदला लेने के लिए लड़ता है, और वो एक गैंग बना के चलता है और हर जगह लड़ाई पीट अपने लोगों, अपने पापा के, जिन्होंने उनको पापा को नुकसान पहुंचाया, उसके मारता है, उसके लिए वो अपने जीजा को भी मारता है, ठीक है। तो कहानी यही है बस, ये एक पिक्चर का 2.5 घंटे 3 घंटे की पिक्चर का आपको एक समअप ऐसे ही है बस, एकदम पूरी प्रोजेक्ट का एक समअप आपको पहले तैयार करना रहता है। पर आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट ही नहीं है तो समअप कहाँ से तैयार करें, तो बस एक क्या तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, वो सब बाद में बात होगी, 3 से 4 पेज में तैयार किया जाता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है टॉपिक और टाइटल पिक करना अपना, ठीक है। तो BAPCH में डिजर्टेशन एक पाठ्यक्रम है जो 6 क्रेडिट का, डिजर्टेशन में BAPCH कार्यक्रम एक अनिवार्य घटक है, इसको तुम पार किए बिना अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको पार करने करना है और अपने शैक्षणिक सत्र में पार करो, ये अच्छी बात है। इसलिए किसी भी शिक्षार्थी को इस पाठ्यक्रम से छूट नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ऑप्शनल चीज़ है और तुम ये करो या ना करो। इस पाठ्यक्रम को मैं आपको अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय पर एक शोध कार्य डिजर्टेशन परिपूर्ण करनी होती है, एक छोटा सा रिसर्च पे तैयार करनी रहती है। चूंकि डिजर्टेशन 6 ग्रेड का है, इसलिए आपको यह पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कम से कम 180 घंटे लगाने होंगे, ठीक है। 180 घंटे मतलब कि 1 24, ठीक है ठीक है ठीक है, हो लगभग लगभग 9 दिन, 9 दिन तो नहीं, 8 दिन। तो इसके लिए तुम्हें लगभग लगभग 8 दिन लगाने होंगे अपने, लगभग लगभग हम इसी में कैलकुलेशन में परेशान हो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा सोचते रहेंगे। तो इस क्रेडिट में 30 घंटे के अध्ययन के बराबर है, एक क्रेडिट 30 घंटे के अध्ययन के बराबर है, ठीक है। 6 6 तो ऐसे ही हो गए, 7 दिन, 7 दिन, ठीक है। यह पाठ्यक्रम के लिए यह शैक्षणिक परामर्श सत्र अनिवार्य होता है, ठीक है। इसमें आपको 6 तुम्हारे काउंसलिंग क्लासेस मिलेंगी, जो कि किसी को नहीं मिलती है, हमें भी नहीं मिली है, हमने भी इसके बिना तैयार किया,
बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको मिल जाती है। यह पाठ्यक्रम के लिए 6 शैक्षणिक परिणाम शर्त है। इन सत्र में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, ठीक है। असल में इसके ऊपर एक अलग कहानी होगी। आप 6 महीने की अवधि के बाद टी के लिए उपस्थित हो सकते हैं। एक बार आपका सिनॉप्सिस अकादमिक परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो आपको निर्धारित समय में अपना डिजर्टेशन जमा कर दिया है, ठीक है। तो अब इसका तुम्हें समझा देते हैं चक्कर क्या है। सिनॉप्सिस सेकेंड ईयर के बाद जिन लोग का एडमिशन जनवरी 2024 के पहले का है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है पूरी कहानी। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद तुम्हें सिनॉप्सिस का काम स्टार्ट करना है, मैंडेटरी रहता है एक तरह से समझ लो। 2 महीने मान लो तुम्हें कैसे भी, या 1 महीने तक तुमने कहीं से कोई चीज़ पिक किया टॉपिक, ठीक है, उस पर सिनॉप्सिस रेडी किए, तुम गए सर के पास, सर ने चेंजेस करते हैं। सर वो कि वहाँ आदत रहती है चेंजेस करना, सर डायरेक्ट कभी भी साइन नहीं करेंगे अगर सर तुमको नहीं जानते और तुम सर को नहीं जानते तो। मतलब यहाँ कोई ऐसी जानने का मतलब है कि अगर तुम्हारे सर से अभी तक कोई भी हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट तुम सिनॉप्सिस रेडी करके जा रहे हो, सर वहाँ चेंजेस कर देंगे। और मोस्टली चांस ये रहता है कि वो तुम्हारे टाइटल में छेड़छाड़ कर दे। टाइटल में छेड़छाड़ हो गई मतलब कि अगर पिक्चर के मेन फ्रेम में भाई अगर तुम बोल दिया जाए कि मैगी की जगह चाउमीन हम कर दिया जाए तो पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा और पूरी की पूरी सिनॉप्सिस बदलनी पड़ जाएगी तुमको, ठीक है। तो तुम वहाँ जाओगे, वो मोस्टली चांस यही रहता है कि वो टाइटल में छेड़छाड़ कर देंगे। तुम वापस से 20 डेज में एक नया रिसर्च पेपर पढ़ के अपने सिनॉप्सिस रेडी करके फिर से टपकोगे, वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, फिर सर वहाँ पे सोचेंगे, उसको 2 दिन रखेंगे पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद फिर तुम्हें बुलाएंगे और फिर वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद तुमको उसे सबमिट करना है तुम्हारे SC में। वो सबमिट होके वहाँ के SC के काउंसलर से, मेन काउंसलर से साइन होगा, सील्ड होगा और फिर वो लोग कुछ दिन रखेंगे उसको, फिर वो भेजेंगे तुम्हारी RC में। जिन लोग की RC दूर होती है वो लोग बोल देते हैं कि बच्चे ये लो कर दिए जाओ, उसको RC में जमा कर दो। फिर वो RC में जमा हो जाएगी, फिर वो RC में साइन होगी, फिर वो RC से फिर तुम्हें एक फ़ोन आएगा, वो RC से भी आ सकता है और ये आए सिनॉप्सिस दिल्ली भी जाती है, हो सकता है तो दिल्ली से भी आ सकता है कि अब आप अपने सिनॉप्सिस पे डिजर्टेशन बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ये मैंडेटरी होती है कॉल की। ऐसे अब हमको ये कॉल नहीं आएगी क्योंकि बहुत कम टाइम में हमने ये सब काम किया, तो हम विदाउट कॉल अपना प्रोजेक्ट 30 मई से पहले पहले हम सोचेंगे कि सबमिट कर दें, कॉल आए या ना आए। तो एकदम आप लोग को भी ये चीज़ें ध्यान रखना कि सेकेंड ईयर के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो अपनी सिनॉप्सिस रेडी करने के लिए। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब थर्ड ईयर है और 1 मंथ का टाइम है तब भी आप जमा कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई काउंसलिंग क्लासेस नहीं मिली है, लेकिन आप एलिजिबल हो और आप कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। उपदेश फलाना ढिमकाना हटाओ ये सब। तो शोध विषय का चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उन्हें सिनॉप्सिस प्रस्तावित में सहायता करना, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग को आपके काउंसलर ही काम करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है 2 चीज़ कि आपका गाइड कौन है और आपका काउंसलर जो स्टडी सेंटर पर आपके जो साइन करेगा आपके उसको क्या बोलते हैं सिनॉप्सिस को और डिजर्टेशन को भी वो कौन रहेगा, ठीक है। कोशिश करना कि 2 ही लोग एक ही इंसान रहे, दोनों चीज़ एक ही इंसान के द्वारा कर लो तो सीधा सीधी बात हो जाएगी। अगर गाइड कोई और ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइन कर देंगे, ऐसी बात नहीं वो साइन नहीं करने वाले, लेकिन वो सोचेंगे चीज़ों को बदला जाएगा बहुत ज़्यादा बार, हर जगह गलती निकाल दी जाएगी, उनके द्वारा चीज़ें बनाई जाएंगी तो अपनी गलतियों छोटी मोटी गलती को छुपा भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। मैं करेंगे ना प्रस्तावित सारांश जो हस्तलिखिता हस्त पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया हो। अनुमोदन करता है शिक्षार्थी को पुस्तक समाचार पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिसमें वो अपनी रुचि के अनुसार उचित विषय का चयन कर सके, ठीक है। देखो विषय किसी का अपना कोई रुचि वाला नहीं होता, वैसे इग्नू जैसे प्राइवेट लर्निंग में तो कभी मिलेगा भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं कि कौन सा हम सेक्टर चूज़ करें रिसर्च करने के लिए और टाइटल कैसे चूज़ करें। तो टाइटल चूजिंग का एक पूरा का पूरा
वीडियो लाएंगे। अभी तुम लोग बस इंट्रोडक्शन ले लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। तो पूरा का पूरा अभी ये ध्यान रखो, डिजर्टेशन को एक सेकंड पूरा का पूरा अपने दिमाग से स्किप करो और सोचो सिनॉप्सिस कितनी जल्दी से हम रेडी कर लें। तो सिनॉप्सिस को अभी हम पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सिनॉप्सिस टाइटल की बात करेंगे और फिर उन सब चीज़ों को कवर करवाते हुए डिजर्टेशन के एकदम लास्ट टॉपिक तक पहुँचाएंगे। ठीक है। तो शिक्षार्थियों का आंकड़ा संग्रह करने के लिए उच्च संस्थानों की जानकारी प्रदान करने की, कहाँ से तुम डाटा उठा सकते हो, कोई स्कूल से, कोई छोटी कोचिंग से, या कहाँ से तुम डाटा पिक करोगे। ठीक है। संबंधित साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, जो भी वो चीज़ पढ़ लिया है, जो भी चीज़ वो चुना है उसके बारे में थोड़ा सा और उसको खोजबीन के आइटम ला के देना। ये सब काउंसलर के काम की इमकानी तुम्हें बता रहे हैं। समय समय पर शिक्षार्थी को प्रेरित करें और उन्हें आवश्यक सहायता का निर्देश प्रदान करें कि कहाँ से तुम्हें कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है, जाओ एमए वाले बच्चे से मिल लो, जाओ उससे मिल लो। ये सब चीज़ें करना एक काउंसलर का काम होता है। ठीक है। और प्रेरित भी करें, मोटिवेशन भी दे कि हाँ यार तुम कर लोगे, बहुत ईजी चीज़ है। शिक्षार्थी को ईमानदारी से और वास्तविक मूल रूप से काम करने के लिए प्रेरित करें और मूल पाठ की नकल, प्रतिलिपि या पुनरुत्पादन नहीं करने की सलाह दें। मतलब कोई भी चीज़ को तुम कॉपी मत करो और जो भी चीज़ करो अपनी वास्तविकता से करो, अपनी रियल चीज़ों का ईमानदारी से काम करो। ये सब चीज़ें काउंसलर को देनी चाहिए ज्ञान। ठीक है। और इसको किसी की और प्रतिलिपि तैयार ना हो पाए तो किसी और को तुम यही वाली चीज़ ना चिपका दो, ये सब चीज़ का भी ध्यान रखो। शोध कार्य करते समय और डिजर्टेशन में नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करें। ठीक है। मतलब उनको ये भी बताओ कि क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब काम जो हम बताए ये सब काउंसलर को करना है, काउंसलर को बतानी है ये सब चीज़ें ध्यान रखना है अपने स्टूडेंट का जो सिनॉप्सिस और डिजर्टेशन बना रहा है। शिक्षार्थियों को संदर्भ पर दे जो उन्हें उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एजेंसियों, अस्पतालों, स्कूलों या संगठन में शोध अध्ययन के लिए आंकड़ा एकत्र करने की सहायता प्रदान करेगा। संबंधित पत्र अध्ययन केंद्र, क्षेत्र केंद्र द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो परामर्श सर 6 होते हैं, जैसा कि यहाँ देखो लिखा है, शिक्षार्थी को 6 महीने की अवधि के भीतर यह शोध कार्य पूरा करने के डिजर्टेशन जमा करना होता है। मतलब तुम्हारा सिनॉप्सिस स्टार्ट करने से लेकर के डिजर्टेशन जमा करने तक का समय 6 मंथ का होता है, वो कि 5th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है और 31 मई तक ख़त्म होता है। 31 मई लास्ट डेट होती है, मतलब कि 5th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। तो यही सब 6 महीने के भीतर ही सब काम तुमको करना होता है। डिजर्टेशन से संबंधित सभी कक्षाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब ना तुम उपस्थिति दोगे। ठीक है। तो इसमें 6 क्लास के बारे में बताया गया, वो जरूरी नहीं है। सिनॉप्सिस तैयार करना और प्रस्तुत करना। ठीक है। सिनॉप्सिस आपके द्वारा किए जाने वाले शोध प्रबंध की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट है कि भाई तुम इस पर करोगे क्या, टॉपिक क्या है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, वो सब चीज़ें भी आगे करेंगे। शोध करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रुचि के आधार पर एक विषय चुनना होगा। ठीक है। जैसे कि तुमको बता दिए, तुम कुछ भी चुन सकते हो कि दिमाग के ऊपर ऑनलाइन चीज़ का कैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रेन भी इसका पार्ट है साइकोलॉजी का। ठीक है। फिर पर्सनैलिटी पूरा पार्ट है, तो इंट्रोवर्ट का कैसे इफेक्ट करता है रील इंट्रोवर्ट को कैसे इफेक्ट करता है, या रील इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को कैसे इफेक्ट करता है, दो चीज़ को पकड़ कर तुम डाटा पूरा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तुम रील की जगह वीडियो गेम्स ले सकते हो, इंस्टाग्राम्स ले सकते हो, टेलीग्राम्स ले सकते हो, स्नैपचैट ले सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत टफ चीज़ होती है। ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो गया कि तुम इन चीज़ों की जगह जहाँ पर बोले कि कैसे पर्सनैलिटी, मतलब क्या फास्ट फूड कैसे पर्सनैलिटी ट्रेट को इफेक्ट करता है, कुछ भी तुम ले सकते हो, जो पसंद आओ तुम वो लो। तुम ब्रेन लो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स लो, या कोई इमेजिनेशन बेस ले लो। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इमोशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हो एज अ टॉपिक, जो भी तुम्हें पसंद आए वो सेक्टर, उस चीज़ों को हम जैसे कि बताएं नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे कि टाइटल कैसे कैसे तुम बहुत अच्छे अच्छे देंगे तुम लोग को, हम तुम लोग को प्रोवाइड करेंगे। जैसे तुम लोग को बहुत सारी दिक्कत ना हो, तुम बहुत आसानी से समझ पाओगे क्या चक्कर चलाना है यहाँ पे। सोच करने के लिए सबसे पहले आपको रुचि के आधार पर एक विषय चुनना होगा। ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उन लोग को चुनवा देंगे कोई ना कोई, जिसमें आप अपने मार्गदर्शन के परामर्श के बाद अपना सोच का करेंगे। यह आवश्यक है कि इसमें
आपको चयनित विषय में विभिन्न शोध अध्ययनों साहित्य और सूचनाओं की समीक्षा करें। इस संबंध में आप इंटरनेट उपयोग विभिन्न पत्रिकाओं पुस्तकों और सूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको आपको विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और आपके सिनॉप्सिस के परिचय भूमिका साहित्य की समीक्षा और शोध पद्धति लिखने में मदद मिलेगी। चुना गया विषय विशिष्ट और केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी देर मैगी मैगी की बात चले फिर बीच में चाउमीन की बात चले फिर बर्गर की बात चले, ऐसा नहीं हो। मैगी की बात चले तो मैगी की बात चले, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट की खेलो ताकि इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। और हाँ, निर्धारित समय सीमा के अंदर, क्योंकि ये नहीं है अब तुम इतना बड़ा रिसर्च पेपर खोल के बैठ जाओ कि समय भागा जा रहा और तुम लिखे जा रहे हो, अपना रिसर्च तैयार किए जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो पीएचडी वाली रिसर्च नहीं बनानी है कि 2 साल टाइम मिले, नहीं, वो चीज़ करनी है, टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। डिजर्टेशन का उद्देश्य मापन योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध होना चाहिए, ठीक है, कि जिसको तुम माप भी सको। ऐसा नहीं हो कि 5,000 लोग का डाटा लेकर बैठ जाओ, ऐसा सिस्टम नहीं करना है। और अध्ययन में मात्रात्मक गुणात्मक या मिश्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। मात्रात्मक गुणात्मक और मिश्रित दृष्टिकोण का मतलब, तीनों का मतलब तुमको फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो पता होना चाहिए कि मात्रात्मक होता है जिस चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मापा जाता है उसको मात्रात्मक कहते हैं। जैसे कि हम तुमसे क्वेश्चन किए भाई तुम कैसे हो और क्या करते हो, इसमें जितनी कहानी तुमने सुनाई ये मात्रात्मक दृष्टिकोण है। और हम बोले कि तुम्हारे पास 1 से 10 तक में कैसे तुम अपने आप को रेटिंग दोगे खुशियों की, तो तुमने अपनी रेटिंग 7 की दे दी, तो ये हो गया गुणात्मक दृष्टिकोण, जिसमें हमारे पास एक आंकड़ा के चर के रूप में एक आइटम मिला है, वो एक वेरिएबल के रूप में मिला है, वो हो गया हमारा गुणात्मक। और जो मात्रात्मक वो हो गया जिसमें हम, यार हम कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या, गलत बता रहे हैं क्या हम, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक तो वो होता है जो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल हो जिसमें 3, 4, 6 जो भी संख्या मिल गई, ठीक है। और मिश्रित वो हो गया जिसमें दोनों तरीके से मेथड यूज किए गए हो, ठीक है। मिश्रित तो दोनों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आ गया, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हम बता दें, तुम हिंदी वाले हो तब भी इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश वाले हो तब तो इंग्लिश में बनाओगे, ठीक है। सिनॉप्सिस में एक, क्योंकि हिंदी में बनाओगे ना बहुत लोचे हो जाएंगे, आगे चल के इतनी प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि जो भी चीज़ बताएंगे आगे वो सब इंग्लिश में तुमको मिलेगी, फिर तुम उसको गूगल ट्रांसलेट में ठूसोगे, गूगल ट्रांसलेट से ठूस करो ठूसोगे तो गूगल ट्रांसलेट में ना इमोशंस को या परसेप्शंस को प्रत्यक्षण नहीं दिखाया जाता है उसमें ना, इमोशंस की जो बात होती है, इमोशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा, टाइम पे कुछ याद नहीं आता तो दिमाग खराब हो जाता है। इमोशंस को संवेग बोलता है, ठीक है, संवेग नहीं लिख देगा, मान लो संवेग से हटा करके फीलिंग्स या कुछ, संवेग ना लिख करके कुछ और लिख दिया उसने, संवेग के बहुत सारे पर्यायवाची भी होते हैं वो लिख दिया, अब तुम्हें वो सब चीज़ बदलनी पड़ेगी। और तुम इसको ऐसा भी नहीं हो कंट्रोल एफ मारो और सबका सब, या कंट्रोल एच करो वर्ड में और सबका सब एक बार में बदल जाए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड भी बहुत डिफिकल्ट होता है और तुम्हें सब पूरी की पूरी कहानी टाइप करवानी है, टाइप होनी चाहिए, तो इसमें तुम बहुत ज़्यादा फंसोगे। तो सिंपल से उठाओ इंग्लिश मैटर, इंग्लिश मैटर से ही डिजर्टेशन होगी। और हम बता रहे हैं विद इन अ वीक तुम्हारी डिजर्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे से ब्लैक वाला जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया, बोल्ड किया गया, इसको पढ़ते चलो। सिनॉप्सिस में एक विषय दृष्टिकोण का चयन को उचित ठहराया जाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ चयन की हो उसी को उचित ठहराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो तुम लियो हो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और बना लिया एमबीवर्ट पे और आंसर आ रहा है एमबीवर्ट से रिलेटेड कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही दोनों चीज़ों में ही चीज़ें, और जो भी चीज़ तुमने ऑनलाइन गेमिंग ली या रील लिया, ऐसा नहीं है रील लिए और फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब में घुस गए, ऐसा ना हो। अनुसंधान में प्राथमिक पदार्थ का संग्रह शामिल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मनोवैज्ञानिक निर्मित निरंतरचर शामिल हो जो कि हमेशा बदल रहा हो, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा हो, ठीक है। अध्ययन एक आलोचनात्मक समीक्षा के रूप में भी हो सकता है। अब यहाँ से खेल दिया, 3 तरह के अध्ययन है इसमें। पहला अध्ययन है आलोचनात्मक, दूसरा अध्ययन है लिटरेचर रिव्यू की शामिल हो सकता है जो कि मिश्रित दृष्टिकोण आधारित है, कि जो काम किया गया इसका रिव्यू तुम कर दो, ये सिंपल होता है, यही सबसे सिंपल होता है, ठीक है। और तीसरा भी एक होता है जो कि कुछ होता होगा रिसर्च बेस में, याद नहीं है, लेकिन एक तो आलोचनात्मक होता है, दूसरा होता है मिश्रित और मिश्रित दृष्टिकोण,
मिश्र दृष्टिकोण होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है। आपके द्वारा किए गए अनुसंधान क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी देना चाहिए, कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है आप बता दो जो कि अलग तरीके का डाटा दे। तो सिनॉप्सिस को टाइम्स नोवन रिव्यू में 12 से 15 इस पर अंग्रेजी में होना चाहिए, फॉन्ट का आकार 12 का होना चाहिए और स्पेसिंग 1.5 की होनी चाहिए, ठीक है। इसकी शब्द सीमा 1000 होनी चाहिए, ठीक है। सिनॉप्सिस के बाद चलिए, यहाँ 3-4 पृष्ठ ही तक होनी चाहिए। सिनॉप्सिस में शामिल जानकारी को चोरी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब वो एकदम स्पेसिफिक हो और तुम्हारी ही हो, ओरिजिनल हो। सिनॉप्सिस को अध्ययन केंद्र में अकादमिक परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, ध्यान से समझना। सिनॉप्सिस को अध्ययन केंद्र के अकादमिक परामर्शदाता अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, मतलब कि तुम जो चीज़ बनाओगे वो किसी भी गाइड के अंदर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओगे वहीं अपने स्टडी सेंटर पे, जहाँ पे साइकोलॉजी का जहाँ पे तुम्हें अलॉट हुआ है, वहाँ पे तुम्हें उस काउंसलर जो कि साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर होंगे, उससे तुम्हें वहाँ पे वो साइन करवानी पड़ेगी। और तुम जब भी साइन करवाने जाओगे अपनी सिनॉप्सिस, हम बता रहे हैं अपने हाथ में 3 मंथ का समय लेकर चलना, क्योंकि तुम जाओगे 100% चांस ये, हम तुमको जैसे कि पहले बता चुके हैं, ये है कि वो टाइटल में कुछ ना कुछ 3-5 कर देगा। टाइटल बदली मतलब खेल 100% बदल गया। अगर तुम सब कुछ सही बना के जाओगे तो उसको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो टाइटल में 3-5 कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे सिंपल चीज़ जैसे तुम्हारे दिमाग में अभी आज की डेट में आया, तुम दौड़ के जाओ, सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें एक टाइटल सजेस्ट कर दो। टाइटल लो, 3-4 दिन में उसका रिसर्च पेपर पढ़ो, कहानी पढ़ो, ये किस्सा पढ़ो, अब 5वें दिन तुम पूरा सिनॉप्सिस रेडी करके जाओ और खड़े हो जाओ कि सर मेरी ये सिनॉप्सिस है, इसको आप साइन कर दो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, तुम बोलोगे साइन कर दो, वो साइन कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देंगे और तुम नहीं हो तो उनका फ़ोन नंबर ले लेना, पूरी सिनॉप्सिस बनाना, 4वें दिन उनके एमएस वर्ड की सिनॉप्सिस उनको व्हाट्सएप पे डाल देना, सर इसको रिव्यू कर दीजिए कि ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो हम इसका अप्रूवल लेने कब आए। वो बोलेंगे बेटा सही है तुम आ जाओ, नहीं है तो वो सही कर देंगे वर्ड में, जो भी चीज़ उसको ऐड करनी होगी वो फ़ोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना, ये चीज़ ऐड करना, और तुम ऐड करके तैयार करके फिर अगले दिन फिर उनको सेंड करना और फिर सेंड करना, ऐसे ही करते करते एक दिन तुम्हारी चीज़ पूरी की पूरी 100% सही हो जाएगी और वो तुमको बुलाएंगे और अप्रूवल दे देंगे। 4 कॉपी लेके जानी पड़ेगी सिनॉप्सिस की, 3-4 पेज लिखा है तो 3-4 पेज में 2 पेज तो ऊपर के वो रहता है क्या, उसमें टाइटल पेज ये सब पेज रहेगा 2-3 पेज, ठीक है, और नीचे के 3 पेज रहेंगे कि क्या क्या तुमने रेफरेंस यूज किया, तो 3 पेज ऐसे 10 पेज के आसपास बनती है टोटल, 8 से 10 पेज के बीच में बनेगी। इनके 4 कॉपी पूरे 10 पेज तक के लेके जाना है, 1 कॉपी तुम्हारी है, 1 कॉपी सर अपने पास रखेंगे, 1 कॉपी तुम स्टडी सेंटर सबमिट करोगे, 1 कॉपी तुम डिजर्टेशन में लगाना रहता है आगे आगे, ठीक है। वो 4 कॉपी तैयार होगी इसकी। सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप दिएगा, शीर्षक पृष्ठ होता है जैसे कि हम बताए, सबसे आगे लगेगा, फिर परिचय, ये आया इंट्रोडक्शन तुम्हारा कि जो चीज़ बनाए हो उस चीज़ का परिचय कैसा है, साहित्य की समीक्षा, जो चीज़ तुमने की है इसके ऊपर जो डिजर्टेशन है उसका डाटा तुमने कहाँ से इफेक्ट किया, कौन कौन से रिसर्च पेपर पढ़े, तो तुम उसमें लिटरेचर रिव्यूज़ जो होता है वो तुम लगाओगे। इसमें साहित्य की समीक्षा पहले से शोधकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के एक सामूहिक निकाय है, इसमें पुस्तिका पत्रिकाओं लेखों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है कि जहाँ जहाँ पर तुमने डाटा लिया, ये चीज़ें, ये लाइन यहाँ लिखी गई थी, ये लाइन इस साइंटिस्ट ने लिखी थी, ये चीज़ें यहाँ से डाटा है, यह विचारों और उत्पन्न करने और शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। इस भाग में आप अपने शोध कार्य से संबंधित साहित्य की समीक्षा करने के बाद कम से कम 3-4 अध्ययनों को व्यवस्थित और संगठित तरीके से उद्धृत करेंगे, मतलब 3-4 तुम्हें रिसर्च पेपर और अलग अलग साइंटिस्ट की कहानी सुननी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। अध्ययन का औचित्य क्या है, ठीक है, जो तुम कर रहे हो ये चीज़ क्यों कर रहे हो, भाई तुम्हें डाटा निकालना है, तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है। किसी विशेष शोध करने की औचित्य यहाँ समझाया जाता है, इन बातों पर केंद्रित है कि आप इन चरों को लेकर यह अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हो, क्या प्रूफ करना चाहते हो। कार्य प्रणाली, तुम जो कार्य कर रहे हो कैसे कर रहे हो, कार्य प्रणाली में अनुसंधान समस्या जो है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम दिखी जिसको तुम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो। उपदेश क्या है, परिकल्पना क्या है, सक्रियात्मक परिभाषा, संक्रियात्मक परिभाषा है, प्रतिदर्श तुम्हारे कैसे है, सैंपल तुम्हारे कैसे है, अनुसंधान डिज़ाइन कैसी है, ठीक है,
जैसा डिजाइन, प्रदर्शन संग्रह, तुमने डेटा कलेक्शन कैसे कैसे किया के लिए परीक्षण और उपकरण और तुम्हारे टूल्स क्या है, तुम्हारे टूल्स ठीक है, और प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त तकनीक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। समस्या और उद्देश्य फिर से इसमें तुम्हें एक बार डिफाइन करनी पड़ेगी, का विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या तुम्हारे उद्देश्य हैं। परिकल्पना जो कि तुम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, तो परिकल्पना क्या होती है, वो चीज़ हाइपोथीसिस जो तुम्हें लगता है कि ये आएगी, जीरो हाइपोथीसिस या क्या बोलते हैं यार इसको, वन हाइपोथीसिस वन आएगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें डाटा यहाँ पे आके एंड होगा, इसकी कहानी कुछ ऐसी निकलेगी, इसकी कहानी कुछ ऐसी निकलेगी, इसकी कहानी कुछ ऐसी निकलेगी, या कोई नई कहानी निकलेगी। तीन तरीके की हो गया है हाइपोथीसिस तुम्हारी। संक्रियात्मक परिभाषा है ऑपरेशनल डेफिनेशन से तात्पर्य उस तरीके से है जिस तरह से आपने अपने शोध के चरों को परिभाषित किया है। प्रतिदर्श को तुम्हें को पता है क्या, प्रदत्त विश्लेषण क्या है तुम्हें को ये भी पता होना चाहिए। तकनीक का उपयोग परीक्षण उपकरणों की सहायता से प्राप्त प्रदत्तों मतलब होता है कि वो डेटा प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। प्रदत्त विश्लेषण के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। उचित प्रदत्त विश्लेषण तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है, मतलब तुम्हारा जो मेथड है जिस तरीके से तुम डेटा विश्लेषण कर रहे हो वो तो SSPS कंप्यूटर ही में होता है सब कुछ काम। फिर तुमने कौन से साइंटिफिक मेथड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि 16PF अलग अलग तरीके से, कौन से टेस्ट से तुमने डाटा कलेक्शन किया, ये सब भी बहुत सारी चीज़ रहेगी ना। संदर्भ भी रहेगा, APA स्टाइल, साहित्य समीक्षा के अंदर APA प्रारूप लिखा जाना चाहिए, साहित्य समीक्षा ही होगी, इसमें वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकली सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कृपया नीचे देखें कि अलग अलग के लिए अध्ययनों को कैसे उद्धृत साइट किया गया, पुस्तकों से लिया गया पाठ अलग लिखोगे, जर्नल में कहाँ कहाँ तुमको क्या मिला, पुस्तक अध्याय में क्या क्या मिला, वेबसाइट में क्या क्या मिला, ये सब चीज़ें तुम्हें पूरा का पूरा देनी पड़ेगी ठीक है। संदर्भ तुम्हें कहाँ से निकला है, ये चीज़ आज हम कंप्लीट करते हैं। डिजर्टेशन का संचालन ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऐसे भी वीडियो 27 मिनट की हो चुकी है। कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना, छोटे से छोटे डाउट पूछना, और कोई भी डाउट दो बार भी पूछ लोगे तो हम दो बार भी बता देंगे। तो कोई भी तरीके का डाउट आपको लिए खुला हुआ है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।